उत्तराखंड में स्वास्थ्य मिशन प्रगति के पथ पर है। मिशन के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय का लोकार्पण किया। गरीबों के इलाज के लिए बने इस अस्पताल की सौगात राज्य को अवधूत मंडल आश्रम ने दी है। आपको बता दें कि राज्य में जारी स्वास्थ्य मिशन के तहत ये नवा धर्मार्थ चिकित्सालय है, इसे जनता को समर्पित किया गया है। इस अस्पताल में साधु संतों और गरीब तबके के मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। बहरहाल धर्मार्थ अस्पताल के लोकार्पण के मौके पर अवधूत मंडल आश्रम के अध्यक्ष स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान के साथ ही कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा अवधूत मंडल में स्वामी राम प्रकाश जी के नाम पर एक धर्मार्थ चिकित्सालय का शुभारंभ आज किया गया है। इसी अवसर पर सभी पूज्य संत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी विशिष्ट अतिथिगण आए थे और ये जन सेवा बिल्कुल निशुल्क संतों के और गरीब लोगों के लिए रहेगी। 24 घंटे चिकित्सा मिल सके, इसी के लिए चिकित्सा शुभारंभ प्रकार की चिकित्सा सेवा रहेगी, सब प्रकार की। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये नौवां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। चार धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है, मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर नौवा ये आज यहाँ पर ये सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें आईसीयू भी है और ओपीडी भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं, क्योंकि जो साधु समाज हैं, उनकी निःशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ पर एक